गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो पीपल। बहुत टाइम के बाद आज व्लॉग बना रहा हूँ मैं। मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, कि एक जोन में जब मैं चला जाता हूँ कंटेंट अगर बनाने तो मैं वही से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने लगता हूँ। मुझे मन करता है थोड़ा चेंज किया है तो फिर मैं व्लॉग्स बनाने लगता हूँ। पहले ऐसा ही था, पहले मैं व्लॉग भी बना ले रहा था, कंटेंट भी बना ले रहा था, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी चल जा रही थी। फिलहाल चल रही है अभी कॉफी। ठंड की बात करें तो दिल्ली वगैरह में तो बहुत ज्यादा ठंड हो चुकी है। यहाँ तो ठीक है अभी, बट सुबह में यहाँ पे भी 7 डिग्री 8 डिग्री पहुंच ही जाती है। सुबह उठने के बाद, ब्रश करने के बाद मुझे हिम्मत नहीं होती कि मैं ऊपर आऊँ। अभी जब धूप मैंने देखी है तब मैं सोचा कि चलो ऊपर चलते हैं, थोड़ी बहुत वीडियोस भी बना लेंगे। इन दिनों बहुत सारी चीज़ें चल रही थी साथ में, इसलिए थोड़ी व्लॉग्स कम आ रही थी। मैंने सोचा था कि साल की शुरुआत अगर व्लॉग से हुई है तो खत्म भी व्लॉग के साथ होनी चाहिए, तो दिसंबर एंड तक एक व्लॉग जानी चाहिए भाई। फिलहाल अभी अपन उठे हैं और ब्लैक कॉफी ले रहे हैं और अब चलते हैं अपना मील नंबर 1 आने के लिए। फुल्ली फिटिंग वीडियो नहीं है, बट ऐसे आइडियाज़ तुम ले सकते हो कि अपन क्या खाते हैं फुल डे में स्टूडेंट हो के, ये भी तुम देख सकते हो। बट इट्स अ सिंपल व्लॉग। और आज हमारा पुश डे है तो हमें चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स तीनों ट्रेन करना है। हाँ, मैंने बोला था कि मैंने शोल्डर को लेग के साथ ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया था, बट रिसेंटली अभी हमने नोटिस किया कि लेग्स में हमें थोड़ा प्रोग्रेस करना है, बिकॉज वी हैव अ कैलरी, वी आर ऑन लिटिल बिट ऑफ सरप्लस। मैंने सोचा कि सरप्लस ऑफ डाइट में है तो इस चीज़ को यूज़ की जाए, अच्छी स्ट्रेंथ डेवलप की जाए, स्क्वाट्स की PR बढ़ाई जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको शिफ्ट किया है। तो लेग्स के लिए मैंने कम्प्लीटली एक दिन छोड़ दिया है कि भाई उसमें अपन अच्छे से करेंगे, इसलिए मैंने चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स साथ में ट्रेन करना शुरू किया। अब उसमें लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपन दो दो एक्सरसाइज करते हैं। किसी और दिन वर्कआउट पे बात करेंगे कि मैं कौन कौन से वर्कआउट करता हूँ, कितने रेप रेंज में करता हूँ, इसकी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा। मैंने सोचा था कि अभी बनाने की, बट अभी वो फील नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों मुझे फील नहीं आता तो मैं कोई काम नहीं करता हूँ। तो मुझे लगेगा कि हाँ अब थोड़ा फील आ रहा है तो मैं कंटेंट वैसा बनाऊँगा वीडियोस। मैं चाहता हूँ कि एक पुश पुल लेग की मैं अपनी वर्कआउट स्प्लिट शेयर करूँ आप लोगों के साथ। अभी मैंने फुटेज देखी, मेरा फेस कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है यार। व्लॉग क्या छोड़ दिया, फेस बड़ा लगने लगा। थोड़ा सा सरप्लस पे रहने की वजह से थोड़ा सा फैट चढ़ जाता है, और मेरी फैट दो जगह चढ़ती है, पहली यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे बेली एरिया पे। हर किसी का अलग अलग चढ़ती है। फेस फैट बहुत जल्दी आता है और बेली फैट बहुत तेज आता है, बट कोई नहीं, वी नो हाउ टू बर्न दिस एंड हाउ टू कट दिस। जब आपको चीज़ें पता होती है तो आपको टेंशन नहीं होता। पहले मुझे बहुत टेंशन होता है कि भाई ये बढ़ने लगा, पेट बढ़ने लगा, बट अब मुझे पता है कि उसको कैसे कम करना है। मैं चाहूँ तो 3 हफ्ते में ख़त्म कर सकता हूँ ये सब चीज़ों को, एकदम श्रेड हो सकता हूँ। तो जब आपके पास वो यंत्र है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से बल्क करो, आराम से शायद कैलोरी सरप्लस में क्लीन बल्क करो, कट करना बहुत आसान होता है। खाएंगे ऑमलेट बना दिए क्या मेरे लिए? अभी तो बोले भी नहीं थे बनाने को यार, इतनी जल्दी क्यों शुरू कर दी बनाना। लेकिन अंडे हम लेंगे भाई, क्योंकि मेरे अंडे मतलब जो मुर्गी के अंडे हैं वो खत्म हो गए हैं। तो इसमें मटेरियल ज्यादा पड़ गया, सब्जी इतना डला गया। क्या क्या डाल दियो इसमें? अभी तो थोड़ा पकने देते ना उसको, थोड़ा ज्यादा हार्ड होने देते। तेल डाले उतना में हम बना लेंगे, एक राउंड अपना मेरा बन जाएगा। कम तेल डाले भाई, तो जितना है ना उतना में एक दो अंडे का मेरा बन जाएगा। उधार देना पड़ेगा थोड़े से अंडे, गुफरान मुर्गी फार्म स्टॉक से मुझे थोड़ा सा उधार लेना पड़ेगा। एक मेरा अंडा बचा होगा, मेरा मतलब कि मुर्गी। अरे यार वो अंडा मैं कल खा लिया था, वो ले लेना एक जोड़ लेना। अभी सो मैंने खा लिया था ना, अभी सोच। और मैंने सोचा कि उधार लेने के पहले उधार देख ले चुके हैं। आजकल मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 होल एग खाता हूँ। होल 5 अंडे पहले मैं खाता था सुबह में, 2 होल और 3 एग वाइट, अब मैंने 3 कर दिए। क्यों? ठंड है और प्लस 200 रुपये का ट्रे आ रहा है भाई। अगर 10 अंडे एक दिन मैंने खाने लगा तो किडनी गिर भी रखना पड़ेगा कुछ दिन तो। चिकन से महंगा अंडा पड़ जाएगा। 3 एग, उसके बाद दोपहर में वही अपनी सोया चिली जो है वो मैं खा रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा डाइट मेंटेन हो पा रहा है। दिनों से तो वो भी छूट गई थी, अभी थोड़ी इधर डाइट 1-2 दिन गड़बड़ चली है मेरी। जब भी डाइट गड़बड़ होती है, जितने लेवल पे गड़बड़ होती है उतने लेवल पे अच्छी होती है, तो ये मुझे बहुत खुशी होती है। जब भी मैं अपना डाइट खराब करता हूँ तो उसके हिसाब से मैं अच्छा ही बहुत उस लेवल कर लेता हूँ 1-2 दिन के बाद। दिस बॉय बुक दिस बॉय कोलैबोरेशन कर लिया इसके साथ, तुमको छांट दिया था। अंडा भी बॉयल करते हैं, कुछ भी डाइट बना रहा है तो ये दिस बॉय अच्छी चीज है, हेल्दी खा रहा है। हेल्दी खाना अच्छी चीज है भाई। दाम भी उतना लगाना पड़ेगा ना, देखते नहीं होगा, दिन रात लगे रहना पड़ेगा डाइट में। देखो ये काम अच्छा कर रहा है, पहले हेल्दी डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद जिम ज्वाइन करने का सोच रहा है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है, दुनिया में किसी के साथ नहीं होता। क्या बात कर दी है बाबू, क्या कह रहे हैं, जो वो होता है कल्चर जो होता है वो चलेगा।
तो इसे जल जाएगा वो। तो दिस इज ब्रेकफास्ट टुडे। तो क्या हेल्दी नहीं है क्या? हेल्दी है, हेल्दी का आजकल हेल्दी का ट्रेंड चल गया फ्लैट भाई अपने। सब लोग आजकल डाइट पे ध्यान दे दिया, गुड अच्छी चीज है भाई। हाँ, लीवर फैटी वाला ध्यान दे दिया तब से। अब कौन अंडा खा रहा है? वो बिरयानी इतना ना खाया है तो जांच ही नहीं करवा रहा है मेरा, बहुत ज्यादा हो गया इसलिए। अब हमका ना 150 प्लस 200 प्लस होगा, 100 प्लस तो गारंटीड है आपका। कभी कोई पथरी भी लगता है, हो गया बैग जाके जांच कराओ। दाढ़ी थोड़ी सी सेट करनी होगी। क्यों समीर भाई, पठान वाले लुक रखे हो क्या? अभी शाहरुख खान। ठंड के दिनों में जब तक तुम नहाओ नहीं तब तक ठंड लगती रहती है, नहाने के बाद पूरी ठंड खत्म हो जाती है। तो नहाना हो गया, चलते थोड़ा लंच करते हैं। दिन भर धीरे धीरे क्या कर रही हो, कहाँ हो, दिन रात। प्रतीक का नहीं ब्लॉग बनाओगे? प्रतीक तभी आएगा ना। प्रतीक ऊपर बात कर रहा है, ऊपर बात कर रहा है, ऊपर है। आशिक हुआ है सब भाई, दुनिया में आशिकों की कमी नहीं है। हाँ, अब ब्लॉग का हिस्सा हम एक बना लो। हाँ, ये सब ब्लॉग बना रहे हैं यार मेरे ऊपर, तुम अलग बनाने दो ना, बनाने दो ना यार। ये हमको अपने प्राइवेसी में होना अच्छा लगता है, ऐसे फेमस होना नहीं अच्छा लगता है। समझदार संस्कारी लड़की है। नहीं तो सब लगती स्टार्टिंग में बहुत संस्कारी लगती है, उसके बाद जो बात करेगी ना तो पता चलेगा। उस दिन आप कहाँ गए थे, किसके साथ घूमने गए थे? हाँ, देखो गजब, देख लो ये सब गजब, देखो पॉइंट उठा रहे हैं सब। अरे गए नहीं थे उस दिन की कहीं घूमने गए थे, पता नहीं कहाँ घूमने गए थे। अरे किसी के साथ गए थे, पता नहीं, नहीं बताया क्या उनको? किसी के साथ तो गए थे। नहीं, उसके एक दिन पहले। देखो 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 सब घूमो चोदी, उसको पता है कि नहीं यार, उसको उस दिन नहीं गए थे एक लड़की के साथ। बस तुमको यही भरोसा है कि अगला बोल दिया बस तो हो गया, अब बात करवा दिया वो, अब बोलेगा देखिए कह रहे की बात नहीं करते, बात हो गया। 2 सेकंड लगा बस, हो गया 2 सेकंड में वो सब हो गया। तो बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, निकल जाता है आशिक आवा आवारा बेचारा मजनू आवारा। ओ जितने लोग मिले हैं उसमें हम आपके में अलग कुछ क्वालिटीज देखे हैं। फोन काट दिया। अरे यार दिन तक मत करो यार दीदी। हेलो, अरे वो सब छेड़ रहे हैं, देखो सब कर दे, बात हो गया पूरा सुन भी रहे हैं यार। दो चार दिन मत कर बाबू। तो बता दी किसके साथ गए थे, क्या दिक्कत है? हेलो बता। अब देखो अभी सब मेरा मजा ले रहा, हो गया बात भाई। माँ मजा नहीं ले रहा मैं भाई, माँ मैं बोलना छोड़ दिया हूँ। हेलो माँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हेलो, पता नहीं क्या नाम था, आकृति क्या था? आकृति राय। तो उसके साथ किसी और दिन गया था मैं, हमसे तो बताया था उसको और कोई कुछ नाम था। ए से ही नाम था लेकिन कुछ और आकांक्षा आयुषी। अरे यार पता नहीं कुछ ऐसा नाम था एक जो हमको बताया था कि उसके साथ जाना है। मान लीजिए कोई भी चीज तो बता देना चाहिए, क्यों बता दीजिए? फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, दोस्त से बता भी देना चाहिए। और मतलब आप ही बोले थे कुछ छुपाएंगे नहीं, जो भी होगा हम लोग के बीच मतलब बस ठीक है। अभी को यही गलत बात हुई है, बता देना चाहिए। हाँ यार, ये भाई मान लीजिए कोई लड़की आपको ज्यादा सीरियस है तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, बता दीजिए उसको, मेरे ऊपर ट्रस्ट है। खाने में आज है तहरी चिली, सोया चिली चंक्स तैयार हो रही है भाई शेफ गुफरान अहमद। तो अभी ये बन जाएगी, फिर इसको थोड़ा इसमें ऐड करेंगे हम 50 ग्राम्स, और फिर अपना प्रोटीन गोल हिट करेंगे। वार्म अप करते हैं और शोल्डर चेस्ट और ट्राइसेप्स को ट्रेन करते हैं। हफ्ते में 2 बार चेस्ट ट्रेन करने की वजह से मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट जो अपना चेस्ट पुश डे रहता है उस पर दैट इज मंडे को फ्लैट बार को प्रेस करता हूँ, और जो नेक्स्ट अपना पुश डे आता है उस पर इंक्लाइन बार प्रेस। तो आज अपन इंक्लाइन बार प्रेस करेंगे।
बीपी बढ़ गया अभी, फुटेज अच्छी नहीं है, इतने लोग हो जाते हैं ना शाम के वर्कआउट जब भी करोगे जिम में, इंडियन जिम में यही होता है भाई, इतनी भीड़ हो जाती है, प्रॉब्लम होने लगती है शाम में, अब कहीं भी जाओ ट्रेक करने के लिए। तो अभी चलते हैं घर, सो बैक होम, और अब चलते हैं प्रोटीन दिन भर लड़की सबसे सस्ता प्रोटीन पीने के चक्कर में गाइस, मैंने बहुत ही फालतू प्रोटीन ले लिया पैसा बचाने के चक्कर में भाई, बहुत गंदा प्रोटीन मिल गया इस बार हमको। अरे यार पैसा नहीं था, पैसा अब क्या करें, अब देना पड़ा हमको, सस्ता था, इसका दाम कम था, ठीक है दाम कम था लेकिन रिव्यू उसका बहुत अच्छा था, तो मुझे लगा कि यार सही होगा ले लेते हैं। अब लेने के बाद पता चला कि चला बाप रे बाप, जैसे बालू मिला के जो पिलाया जाता है बालू है, लेकिन ठीक है मतलब साइड इफेक्ट वाला सीन नहीं है। वाह भाई ये देखिए, ये देखिए जिम जाएंगे, ये देखिए बाप रे बाप, चार चार पांच पांच पर ये है भाई को, हम इसको जिम में जाके निकालेंगे। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जाओ जाओ बाबू सोना जादू टोना जाओ। तो अभी हम पहुंचे हैं वन आवर सेंटर मॉल में, क्योंकि अंटू भाई जो है इनको चाहिए एक जैकेट, तो इनके लिए जैकेट अपन खरीदने आए हैं, और हमारे साथ हैं वन एंड ओनली दी अमृताश गुप्ता फ्रॉम गोरखपुर। क्या करना है, क्या प्लान है, क्या क्या लेना है? कोई प्लान नहीं है। हाँ बस मिल जाए पसंद का, मुझे ज़्यादा घूमना पड़ जाएगा फिर। कोई नहीं है यार, ये क्या कोई सिक्योरिटी भी नहीं है? हाँ आप आए भैया, कोई सिक्योरिटी नहीं लाए साथ में? रवि किशन से बात करना पड़ेगा क्या? नो सांसद जी से। अब सांसद जी से हर छोटी बात के लिए थोड़ी सांसद जी से बात किया जाएगा यार। नहीं सही लग रहा है। एक बार ना वो जो पहने उसको उतार के भी पहन लेना, उतार के ही पहनना एक बार, ये लग रहा है सही है। या पावर बैंक से चार्ज कर लीजिए, पावर बैंक से फिर बटन से टेम्परेचर सेट कर लीजिए, ये चीज आपकी वार्म करेगी। हाँ चार्जेबल होगी। तो इसमें क्या लगा है ऐसा? करंट नहीं, बॉडी में करंट वरेंट तो नहीं आ जाएगा, तो इसमें क्या लगा है मतलब ऐसा कुछ? कुछ नहीं, खाली ये चीज हीट करेगी, वार्म करेगी। तो इस वही तो पूछ रहा है कि अंदर ऐसा है क्या कि जो कि हीट करेगी, कुछ थर्मो टाइप का वगैरह कराने में कुछ कोई दिक्कत नहीं, कुछ थर्मो समथिंग कुछ लगा है क्या इसमें? दुनिया में कुछ, दुनिया में आजकल कुछ भी पॉसिबल है, देख रहे हो कपड़े में टेक्नोलॉजी है भाई। सुनो उसको जाना तो पावर बैंक से चार्ज कर लेना, हिल स्टेशन पे जाओ सबसे ज्यादा काम देगा, माइनस में भी मैनेज कर लेगा। जो चीज ले रहा था मैं ले लिया है, और ऐसा नहीं है कि 50 जगह दुकान पर मोड़ घूमा, एक बार पसंद आया ले लिया, काम खत्म। तो लड़कों की शॉपिंग कुछ इसी तरह की होती है। आग जहाँ जल रहा है वहाँ आओ, कहीं आओ, कोई दिक्कत नहीं है। वाह क्या खाओगे बताओ, पूरा कॉन्सेप्ट भी आप लोग उसी टाइप का बनाए, गाँव क्योंकि सब देख रहे हैं हम कि पूरा सब बना हुआ है, जैसे हम लोग घर में पहले हुआ करता था, ऐसे ही पिया हुआ लगाया होता है,
अभी भी है कहीं कहीं। ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जो शहर में रहते हैं लोग। हम लोगों को क्या, हम लोग तो हमेशा सब चीज़ देखते ही रहते हैं। हम लोगों को तो पता ही है कैसे क्या होता है। जब तो अजय तो घर ही हो रही होता है हम लोगों का। गांव वाँव में जाइएगा आपके जैसे कि आप शहर में हैं, आप कभी गांव नहीं देखा, हमारा देखे नहीं है। हम लोग तो हमेशा देखते रहते हैं लोग। हम लोग के लिए नॉर्मल चीज़ है सब। हाथ मस्त देख लो, चल के सो जाना, काफ़ी लेट हो चुका है। मज़ा आ रहा है यार। सो डन फॉर द डे, और आज का दिन यहीं ख़त्म होता है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। यहीं से वीडियो ख़त्म होती है, हर बार वीडियो घर पे ख़त्म होती है। आज घर पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।